गाइस एग्जांपल नंबर 30 ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन और हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, जरा देखते हैं। हमसे कह रहा है अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय, तो एक बॉडी है उस पर ये फोर्स लग रहा है और उस बॉडी को आपने इस तरह से कंस्ट्रेंट किया हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में ही मूव करेगा। यस, ठीक है, तो इसका मतलब ना तो वो बॉडी एक्स एक्सिस में मूव करेगी और ना ही वो बॉडी वाई एक्सिस में मूव करेगी, ठीक है। और ये भी कह रखा है कि वेयर आई जे एंड के रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तो आपको अच्छे से मैं बता चुका हूँ। तो हमसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, आपसे वर्क डन पूछ रहा है और फोर्स की वजह से, तो फोर्स ये लग रही है, वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन तो तभी पॉसिबल है जब डिस्प्लेसमेंट हुआ हो। अब देखिएगा हमसे ये कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग, बॉडी डिस्प्लेस हुई है, द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉडी जो है वो 4 मीटर जेड एक्सिस में मूव करके गई है और आपको ये कंस्ट्रेंट भी था कि बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में ही मूव करेगी, तो बॉडी के पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है जेड एक्सिस में वो कितना हुआ है 4 मीटर का, तो क्यों ना मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख दूं। तो आप ये कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, क्या होगी भाई वो, लेट अस सपोज कि डिस्प्लेसमेंट वो ये हो गया, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हो आप, तो 4 मीटर किस में चली है ये जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस के लिए जो यूनिट डायरेक्शन वेक्टर यूज होता है वो होता है के, तो ये हो जाएगा 4k, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो इसके अंदर ना तो आई होगा ना जे होगा, तो इसको अगर पूरा लिखना चाहूंगा तो पूरा कैसे दिखाऊंगा, 0i + 0j + 4k। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आपके पास ये आ चुका है डिस्प्लेसमेंट और आपको फोर्स भी गिवन है, कितना फोर्स, देखो शाबाश, फोर्स कितना है आपके पास, माइनस के आई प्लस का 2j + 3k। अब आपको करना क्या है, करना ये है वर्क डन निकालना है, और वर्क डन जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है किस किस का, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पर आप फोर्स का लिखोगे, फोर्स कितना आपके पास, माइनस के आई प्लस 2j + 3k, ये फोर्स है, इसका डॉट प्रोडक्ट दिखाना है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो 0i + 0j + 4k। और आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि i के साथ, j के साथ, k की k के साथ, तो i के साथ यहाँ पर 0 है तो भाई i का i के साथ 0 हो जाएगा, j के साथ 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो जो वैल्यू देकर जाएगा वो सिर्फ के वाला देकर जाएगा, तो मैं 4 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो आपके पास वर्क जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 जूल, 12 जूल का वर्क आ जाएगा। तो बस यही आपसे पूछा था कि वर्क कितना आएगा, तो जो वर्क की वैल्यू है वो है 12 जूल, क्योंकि जो फोर्स है वो न्यूटन में दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में हुआ, तो न्यूटन मीटर को आप क्या कहते हो, जूल, तो ये 12 जूल आ चुका है। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे 3 का 4 के साथ, क्योंकि बाकी तो 0 देने वाले थे। अगर किसी बच्चे को ये क्लियर नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो भाई दोबारा वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने इसको सर्च किया और सर्च करते हुए भाई दबे मेरी वीडियो ओपन हो गई और आपका डाउट क्लियर हो गया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको 11th के सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके लिए तो यार ये मज़ेदार बात है ना, मज़ेदार बात कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।